News 18, India. टियर गैस शेलिंग जब हुई थी यार, आंसू गैस के गोले जब दागे गए थे, क्योंकि जबरदस्ती बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए आप रुक जाइए, देखिए आप आगे मत बढ़िएगा। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर रोका गया है किसानों को। भारी बोरे मंगाए गए हैं मिट्टी के, वो वहां पर लगा दिए गए, बिछा दिए गए हैं, गड्ढे बकायदा खोदे गए हैं, बाब वायस का इस्तेमाल किया गया है। और जब किसान नेता नहीं मान रहे थे तो फिर क्या किया, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए। और उसी के बाद वहां पर ये जो आंदोलनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो तितर बितर हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि एक बार के लिए वहां टेंशन क्रिएट करने की पूरी कोशिश हो गई थी, क्योंकि किसान नेता यानी सरवन सिंह पंधेर की बात कर लीजिए या फिर दल्लेवाल की बात कर लीजिए, वो जहां जिस पोडियम से लगातार इन तमाम प्रदर्शनकारियों के संपर्क में है, उनसे माइक पर बकायदा कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, वहीं पर शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। वो ये कह रहे थे कि अगर हमको बढ़ना है आगे, दिल्ली कूच करना है तो हम करेंगे, आप हमारे पीछे आइएगा। यानी लीडरान जो है, तमाम जो किसान आंदोलनकारी बड़े चेहरे हैं, वो आगे जाएंगे तब जाकर आप लोग किसी तरह का कोई स्टेप उठाइएगा। लेकिन जब नहीं माना गया और ये बात ना किसानों की बात मानी गई ना पुलिस की बात मानी गई, और उसके बाद जब वहां किसान बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ देर पहले की तस्वीर देखिए, आंसू गैस के गोले दागे गए। मानव यादव शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, हमें लाइव जानकारी और अपडेट दे रहे हैं। मानव, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है, लेकिन ये कहां हुआ है? क्योंकि मैं जहां से आपकी फ्रेम के जरिए या आपके लेंस के जरिए देख रही हूं, वहां पर जब तक नजर जा रही है, जहां तक नजर जा रही है, नरमुंड नजर आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से उसके भी आगे की तस्वीर है। बिल्कुल रूपिका, देखिए जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये वो बीच का हिस्सा है जो किसानों और हरियाणा के बॉर्डर पर जहाँ पुलिस रुकी हुई है उसके बीच का, एकदम बीचों बीच हम रुके हुए हैं। और यहाँ से ठीक सामने वो जगह है तकरीबन 300 मीटर जहाँ पर एक तरीके से रस्सी किसानों की तरफ से बांधी गई है कि इसके आगे कोई प्रदर्शनकारी किसान आगे नहीं जाएगा, तो वहाँ पर किसान रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो 300 मीटर के हिस्से से आगे कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा स्पीकर पर चेतावनी दी जाती है। चेतावनी के बाद जब कोई नहीं रुकता है तो फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि दूर तक जहां तक आपको सिर दिखाई देंगे तो अंतिम छोर है, वहां पर अभी आंसू गैस के गोले चले थे और वहीं पर ही एक मंच लगा हुआ है, मंच टेम्परेरी मंच है, गाड़ी के ऊपर किसान नेता सवार हैं। और अब किसान नेताओं से रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है कि वो पांचवीं बैठक का जो बुलावा केंद्र सरकार की तरफ से आया है तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। और जाहिर सी बातों में जाना इसलिए चाहिए क्योंकि ये गतिरोध हमको लगता नहीं है कि जिस तरीके की तैयारी हरियाणा पुलिस ने आगे की है तो किसान आगे जा भी पाएंगे। तो ऐसे में बातचीत करना ही एक ऐसा रास्ता है जो दोनों पक्षों के लिए ठीक है, एक समाज के लिए ठीक है और उन दर्शकों के लिए ठीक है जो तस्वीरें अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और शायद इसी बात का जिक्र अर्जुन मुंडा अपने ट्वीट के जरिए करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि आइए बातचीत करते हैं, आइए बातचीत करते हैं। और रात को भी अर्जुन मुंडा ने एक बयान दिया कि शांतिपूर्वक तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं। और अर्जुन मुंडा लगातार हमने चारों बैठकों में देखा है किस तरीके से वो किसानों के पैरोकार बनके सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता ऐसा आरोप किसान नेता लगाते हैं कि किसान माफ कीजिएगा कृषि मंत्री वादा कर रहे हैं लेकिन बाहर आके वो कुछ और बयान दे रहे हैं, तो ये आरोप भी किसान नेता यहां पर लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार थोड़ा झुकती है किसानों के सामने या सरकार का जो एक रवैया था कि हम किसानों के हित में जरूर है लेकिन वही चीज करेंगे जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि पिछली बैठक में भी मंत्रियों की तरफ से यह बताया गया था कि जो मांग आप कर रहे हैं उससे बहुत वित्तीय बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा, लेकिन किसान नेताओं ने यह बताया कि हमारे जो तर्कशास्त्री है, हमारे जो अर्थशास्त्री है, वो ये कहते हैं कि नहीं, इतना बोझ सरकार पर नहीं आएगा जितना बोझ 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने पर आएगा, उतने ही रुपए में आप सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी दे सकते हैं। तो दोनों ओर से तर्क दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगर आज बैठक होती है तो उसका क्या, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है रूपिका? मानव, ये रिक्वेस्ट होगी कि जो बात आप कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर लिया है, एक्स पर लिख कर आमंत्रित कर दिया है कि पांचवें दौर की, और हरियाणा सरकार इस बीच जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मानव, एक तो किसान नेताओं से ये सवाल पूछना जरूरी है कि निमंत्रण को लेकर अब उनका क्या रिएक्शन है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और इस बीच हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
किसानों के मसलों को लेकर, क्योंकि मत भूलिए हरियाणा के डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि देखिए पंजाब पुलिस को हमारे साथ यहाँ पर इसलिए मदद करनी होगी क्योंकि जब तक वो वाला बॉर्डर नहीं लॉक किया जाएगा यहाँ पर किसान आएंगे तो कानून व्यवस्था जो है वो जबरदस्त तरीके से प्रभावित होने वाली है। लेकिन अब हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, हमें ये जानकारी मिली है। लेकिन क्या मसला होगा इस पर हम डिटेल में हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है हरियाणा सरकार। चमन मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। चमन, किस बाबत हरियाणा ने यह फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा जाएगा दलील के तौर पर? जी देखिए, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले जब हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो था एक याचिका दायर की गई थी कि जो किसान जो थे संभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर जो था काफी संख्या में जो इकट्ठे हो गए हैं और काफी बड़ी जो भरकम मशीनें थी वो भी वहां पर लगाई गई थी, उसी को लेकर जो था ताकि जो कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसको लेकर जो था हरियाणा सरकार की ओर से जो है वो हाई कोर्ट में पहले जो था एक याचिका लगाई गई थी। फिलहाल हाई कोर्ट ने जो है उस याचिका को जो है सुनवाई पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब हरियाणा सरकार जो है वो कुछ ही देर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख कर सकती है और जो ये शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो काफ़ी संख्या में जो किसान इकट्ठे हुए हैं इनको जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसी को लेकर जो है वो आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो रुख जो है हरियाणा सरकार अभी कर सकती है। और इस बीच यहाँ पर पूरी कोशिश होगी हरियाणा पुलिस की तरफ से कि इन किसानों को वहां पर रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ चमन, ये भी तो बात आ रही है कि चंडीगढ़ में कृषि मंत्री ने आमंत्रित कर लिया कि आइए एक बार फिर से पांचवें दौर की बैठक करते हैं। जरिए जरा वह एक सुनेहा केंद्र सरकार के वालों आया, लेकिन किसानों ने यह कह दिया सगा कि जदों तक ऑफिशियल कोई इनवाइट नहीं आता उदों तक असी जरा वह इस गलबात नहीं मनांगे। तो हूँ जरा खेतीबाड़ी मंत्री के वालों स्टेटमेंट आ गई ट्विटर के जरिए, उन्होंने कह दिता कि पंजवें दौर की बैठक के लिए असी तैयार हाँ। तो फिलहाल जोड़ा 11 बजे अगे वधना सगा वो हूँ किसान जथेबंदियां अजे रुकिया हुई ने अगे नहीं वध रही और तस्वीर के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके दे नाल स्टेज जी लगी हुई है। और दूजे पास ये भी है कि जो 10:58 होए सी ता उस वेले कुछ किसानों ने अगे वधन की कोशिश की तो उस वेले हंजू गैस के गोले जड़े ने हरियाणा पुलिस के वलों दागे गए और तकरीबन 6 से 7 गोले जड़े ने दागे गए और ड्रोन भी जड़ा वै हरियाणा पुलिस के वालों एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया सीगा। लेकिन किसान जथेबंदियां दे आगुआ ने अपील की, वहां पर मौजूद है शंभू बॉर्डर पर और आप सुन रहे हैं वो पंजाबी में क्या कह रहे हैं कि 10:58 पर कुछ किसान नेता वहां पर कूच करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद 7 से 8 आंसू गैस के गोले दागे गए थे। ये भी कहा कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज बड़ी खबर यह है और तमाम पीछे नेता आपको नजर आ रहे थे जो इस आंदोलन के सर्वे सर्वा है। और इस बीच हरियाणा की तरफ से या हरियाणा सरकार की तरफ से ये मन बना लिया गया है कि पहले वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए थे और तभी कहा गया था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कि देखिए भाई आपको जाना है आंदोलन करना, लोकतांत्रिक तरीका है, आप कर सकते हैं आंदोलन लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप बसों का इस्तेमाल करिए। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुनवा देते हैं। पहले सर 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 सर